हेलो टेरस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और आज के दिन गोल में हमें काफ़ी अच्छा एक सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज गोल किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है, आज गोल में हम कैसे एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, किसे मार करना है, आइए इस वीडियो में समझते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले हम समझेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में गोल में क्या सेटअप बन रहा है, किस लेवल को मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ले रही है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत अच्छे हमें एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, जिसका मार्केट एक बहुत अच्छा हायर हाई लगाने के बाद रिजेक्शन आया है, कंटिन्यू मार्केट ने डाउनफॉल किया है। और देखो इस लेवल से ही मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस शो किया। अब इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है। ट्रेंड लाइन का कैसे सपोर्ट है, देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्विंग लो, सेकंड स्विंग लो को ऐड करना है और इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड करना है। अब आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है, इसलिए मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद देखो यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ में अगर एक एरिया मार्क करते हैं जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, रेस्ट किया है, तो ये भी एक काफी अच्छा सा सपोर्ट एरिया निकल के आ जाता है। ध्यान से देखना ट्रेडर्स, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसके बाद रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक काफी अच्छा बुलिशनेस शो किया, लेकिन इंस्टेंट मार्केट ने डाउनफॉल किया और सपोर्ट पर ही मार्केट यहां पे रुका, थोड़ा होल्ड किया, इसके बाद मार्केट ने बुलिशनेस शो किया है। तो ये काफी अच्छा सा एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है। लेवल की बात करते हैं 2323.778 एंड 2316.553 का ये एक सपोर्ट जैसा हमें दिखाई दे रहा है, जिसको मार्केट काफी अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। दोस्तों ये तो यहां हमने देखा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए कि मार्केट यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा या फिर मार्केट यहां से डाउन साइड का मोमेंटम दिखाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, आप भी ऐसे ही सिंपल सा एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं क्या सेटअप बन रहा है। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, चार्ट को थोड़ा जूम इन कर लिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। अब यहाँ पे मैंने जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का सपोर्ट था उसको थोड़ा देर के लिए साइड में कर दिया है। यहाँ पे हम एक और सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यहां अगर हम एक जोन मार करें तो ये हमें दिखाई दे रहा है एक रेसिस्टेंस जोन, रेसिस्टेंस एरिया। ये बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस है जिसको मार्केट ने देखो यहां से थोड़ा रेस्ट किया, इसके बाद डाउन साइड फॉल किया, अगेन मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, फिर से देखो मार्केट यहां से रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेसिस्टेंस एरिया के साथ में हम एक सपोर्ट जोन भी मार करेंगे। सपोर्ट कौन सा है, ये है ट्रेडर्स एक सपोर्ट एरिया। दोस्तों यहां पे आपको दिखाई देगा मार्केट एक बहुत अच्छे रेंज के अंदर फंसा हुआ है, रेंज बनाया है, एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट रेस्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस सपोर्ट लेने के बाद देखो यहां से बुलिशनेस शो कर रहा है। ध्यान रखिएगा ये जो रेसिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो सकता है। जैसे ही इस रेसिस्टेंस का प्राइस ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करने अगर आती है तो एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात ही आती है ट्रेडर्स के मार्केट अगर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो कितना ऊपर जा सकता है, किस लेवल को मार्केट रेसिस्टेंस ले सकता है, कैसे मार करें, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इससे पहले हम समझ लेते हैं ये रेसिस्टेंस लेवल क्या है। रेसिस्टेंस का लेवल है 2327.045 एंड 2324.5
2839 का रेसिस्टेंस जोन। सपोर्ट की बात करते हैं 2319.597 एंड 2317.717 का ये एक सपोर्ट जोन है जिसके अंदर मार्केट बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ले रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, लेकिन यहां से सेकंड कंडीशन भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड कंडीशन अगर मार्केट ने यहां पे इस रेसिस्टेंस से ही रिजेक्शन किया तो ये लेवल सपोर्ट का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यहां से शॉर्ट देख रहे हैं तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद ही यहां से हमें कोई शॉर्ट देखना चाहिए, और लॉन्ग के लिए रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद यहां से लॉन्ग के लिए देखना चाहिए। अभी यहां पे मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है, देखते हैं प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज का यहां पे ब्रेकआउट करे। दोस्तों अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट किस लेवल का हाई लगा सकता है, यहां पे कौन सा रेसिस्टेंस यहां पे हो सकता है, चलिए समझते हैं। रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो हम एक सिंपल सा टूल यहां पे यूज करेंगे, FIV रिट्रेसमेंट, ठीक है, हमेशा हम यूज करते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, यहां पे हम हाई टू लो, यहां से हम फिबो को मार करेंगे। दोस्तों हमने हाई से पकड़ा एंड लो के लिए फिबो को मार कर दिया। हाई टू लो जैसे हम फिबो को मार करते हैं तो हमारे सामने दो लेवल निकल के आ जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, इनको मैक्सिमम टाइम प्राइस रिस्पेक्ट करती है, रीटेस्ट करने के लिए आती है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या है कि बहुत अच्छा एक डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट ने दिखाया है। अगर मार्केट को एक्चुअल में डाउन साइड जाना है तो यहां से एक 50% का रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकती है, 50% का रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकती है। इसके बाद फिर मार्केट को डाउनफॉल करना है तो ये वाला लेवल रेसिस्टेंस के बाद मार्केट डाउनफॉल कर सकती है, अगर डाउनफॉल मार्केट को करना है तो। यहां पे प्रीवियस टाइम अगर इस लेवल को हम निकालते हैं और देखते हैं तो ये बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम अगर यहां पे हम देखें तो प्राइस ने इस लेवल को देखो अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, इस लेवल को प्रीवियस टाइम मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। आगे के लिए अगर हम एक्सटेंड करते हैं इसी लेवल को तो ऐसा करके हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल निकल के आता है। मार्केट ने इंस्टेंट इस लेवल का ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन करने के बाद अगेन अब मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए आ सकती है, क्योंकि जब मार्केट ने डाउनफॉल किया तो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब इसको रेसिस्टेंस लेने आए, ठीक है। तो देखते हैं प्राइस यहां पे इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है क्या, ब्रेकआउट करती है तो हो सकता है मे बी ये रेसिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट करे, रीटेस्ट करने आए। रेसिस्टेंस का लेवल है 2346.125 एंड 2340.131 का रेसिस्टेंस जोन हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहां पे एक चीज का और हमें ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें यहां पे ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए। कैसे कंफर्मेशन मिलना चाहिए, जैसे कि यहां पे देखिएगा मार्केट ने जब सपोर्ट लिया तो यहां पे बहुत अच्छा एक हैमर कैंडल आपको बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा चार्ट को मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से यहां समझ में आए। देखिए यहां पे कितने अच्छे से आपको ये रेड कैंडल देखने को मिलेगी, रेड कैंडल यहां से आपको साफ साफ दिखा रही कि बायर्स यहां से एक्टिव होने वाले हैं। अगेन देखो मार्केट ने यहां से इस लेवल का रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर से बुलिश ने शो किया तो दिख रहा है यहां से कि बायर्स एक्टिव है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद फिर से आपको यहां से कोई ना कोई कंफर्मेशन जरूर लेना चाहिए, इसके बाद ही अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन हम गोल्ड में एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो हमने एक घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन को मार किया है, जस्ट मैं अभी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप भी इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार कर पाए, सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार कर पाए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि जो भी हमारा डेली बेसिस का सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज होता है, जो भी हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस हम मार करते हैं, डेली टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं ताकि आप भी इस तरीके से अपना खुद से सपोर्ट रेसिस्टेंस मार कर पाए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस इमेज को भी मैं जस्ट अभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो से थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिला, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि ऐसे ही नॉलेज पर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। तो मिलते फ्रेंड्स एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।